सरकार का शातिर गैंगस्टर और भूमाफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी कड़ी में लखनऊ पुलिस ने शातिर अपराधी राम सिंह यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। गैंगस्टर राम सिंह यादव की 83 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। इसमें राम सिंह के नाम कई जमीनें, 11 प्लॉट और लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। राम सिंह ने अपनी पत्नी, बेटों और भाई के नाम से 3 स्कॉर्पियो, 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां ले रखी थीं। आवास विकास परिषद की वृंदावन योजना में करोड़ों रुपए की जमीन पर भी कब्जा कर रखा था, जिसमें से 11 प्लॉट भी कुर्क किए गए, जिनकी कीमत 3,65,87,000 आंकी गई है। इतना ही नहीं, राम सिंह यादव के दोनों बेटों के बैंक खातों को भी सीज कर दिया गया है। बाग बीजेपी का रहने वाला है। यह एक बहुत बड़ा भू माफिया है और बहुत बड़ा आपराधिक माफिया भी है, जिसके ऊपर 25 केसेस हैं और हरेक धारा के केसेस मैं देख रहा हूं, 302 है, 392 है, 395 है, 396 है, फोर्जरी के केसेस हैं, गुंडा एक्ट है और गैंगस्टर एक्ट में इसको बुक किया गया था। इसकी जब पूरी कार्रवाई की गई और सभी प्रॉपर्टी को निकाला गया, तो यह पाया गया कि इनमें यह प्रथम दृष्टया ये सभी प्रॉपर्टी इस आपराधिक मामलों से ही जुड़े हुए हैं और उन्हीं से अर्जित संपत्ति से इनको क्रय किया गया है और अर्जित की गई है। उसी में विधिक कार्रवाई करते हुए आज मैंने इसकी 83 करोड़ 17 लाख अप्रोक्सीमेटली इतने की प्रॉपर्टी को कुर्क किया। बता दें, राजधानी के चिरैयाबाग के रहने वाला राम सिंह यादव भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ मोहनलालगंज और पीजीआई थाने पर 25 मुकदमे हैं। इसमें हत्या, लूट, डकैती जैसे अपराध भी है। रेप के मामले में भी वह जेल जा चुका है। राम सिंह यादव वो शातिर अपराधी है जिसके खिलाफ सपा सरकार में कोई भी अफसर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, लेकिन कमिश्नरेट पुलिस ने उसके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर डाली है। न्यूज डेस्क।